हुआ, लॉन्च हुआ गाने का, कैसा लगा आपको गाना, आपने गाना सुना? जितना जितना सुना मेरे को बहुत अच्छा लगा। अनुराधा जी ऐसे भी एक बहुत ही टॉप क्लास के सिंगर है, शी इज़ वेरी कैपेबल। एंड सबसे बड़ी बात है कि पापा इनमें जुड़ा हुआ है कहीं से ना कहीं से। हम लोग देखा कि जिंदगी भर बापी दा ने हम लोगों को हज़ार हज़ार मेलोडियस गाना दिए हैं। एंड डेफिनेटली उनका बेटा उसी माहौल में बड़ा हुआ, तो उनके अंदर भी म्यूजिक भरा हुआ है। सो आई थिंक दिस एल्बम बिकम ए बिग बिग थिंग फॉर आवर लिसनर्स। एंड अनुराधा जी एंड बापा को एक बार बहुत बहुत बधाई फॉर दिस न्यू एल्बम जान। सर आप समी जी? हाँ मैं हूँ इधर, मैं बाजू में हूँ। जैसा कुमार सानू ने कहा कि बहुत अच्छा एल्बम है और बहुत बढ़िया काम है, सबसे अच्छी बात यह है कि इसके साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं वो सारे म्यूजिकल लोग हैं, जो म्यूजिक को समझने वाले लोग हैं, जो म्यूजिक को जानते हैं। अनुराधा जी हों, बप्पा हैं, जितने भी लोग हैं इसमें, तो मुझे 100% उम्मीद है कि एल्बम बहुत ज़्यादा पॉपुलर होगा, बहुत चलेगा। और आज हम लोग यहाँ पे असल में आए हैं उनको बहुत सारी दुआएं देने। और पापा के साथ ऐसा रहा है कि हमने बचपन से उसको देखा है, बापी दा के साथ तो मैंने, मेरे फादर ने तकरीबन 2 जनरेशन से हमने काम किया है। बापी दा के बारे में कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ मेनली हम आए हैं पापा के इस एल्बम के बारे में बात करने। और मुझे लगता है कि ये जो शुरुआत है पापा की, ये इनको बहुत आगे तक लेके जाएगी। नहीं, अच्छी बात है बेटा, क्योंकि आजकल क्या है, आजकल अब सबको अपनी दुकान खोलनी पड़ेगी, क्योंकि डिजिटल होने के बाद अगर आप में टैलेंट है तो आपको कहीं भी किसी पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है कि आपको आप खुद ही करनी है, आपके लिए ओपन मार्केट है। आप अगर अच्छा काम करते हैं तो आप पे आपके लिए इतने सारे प्लेटफॉर्म हैं। और मेरे ख्याल से पप्पा नोज इट वेरी वेल, तो मुझे लगता है बहुत अच्छा कदम है और इसमें उनको बहुत सफलता मिलेगी। नहीं नहीं ठीक है, इन्होंने जो कहा बस मेरा ही बात कहा। ये हमसे क्यों पूछ रहे बेटा, कपिल शर्मा के शो का एक्सपीरियंस तो पूरी दुनिया को बहुत पसंद आया और लोगों ने इतने मैसेजेज, इतने फोन किए। और कपिल शर्मा के शो, अरे कपिल शर्मा के शो में हम लोग गए थे मजा करने के लिए, हमने बहुत मस्ती किए, मजा किए। कपिल शर्मा लोगों को हंसाते हैं, बहुत अच्छा लगा हमें। एंड डेफिनेटली ये बहुत ही टफ काम है, तो हम लोग भी वहाँ पे जाके थोड़ा सा अपना सेहत के लिए थोड़ा सा अच्छा है कि वहाँ जाके बीच बीच में बैठना चाहिए, ताकि कपिल हम लोगों को हंसाते रहे सबको। हम लोग बहुत मस्ती किए, बहुत एंजॉय किए। थैंक्स सर। लास्ट क्वेश्चन, आप लोग आज सिनसिटी आया है, ये जगह ने ये लॉन्च होस्ट किया, आपको कैसा लगा जगह, एम्बियंस कैसा लगा? ये एम्बियंस सिनसिटी बहुत अच्छा लगा मुझे। इन फ्यूचर शमील, आपका कोई काम हो तो आप सिनसिटी में ही करना। बिल्कुल, बहुत एम्बियंस बहुत अच्छा लगा। डेफिनेटली एम्बियंस बहुत अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा जगह है। थोड़ा गर्मी ज़्यादा है क्योंकि अभी गर्मी बॉम्बे में चल रहा है, यू कांट हेल्प, तो गर्मी ज़्यादा है तो, लेकिन एम्बियंस जो है यहाँ के जो बहुत खूबसूरत बना है, एंड सर्विस जो है, एवरीथिंग इज फैंटास्टिक। वी लव सन सिटी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।